जी हाँ, गुड़ शक्कर की मिठास को अगर आप शुद्ध मानकर खा रहे हो तो ये आपकी भूल है। हाल ही में आई जांच रिपोर्ट में गुड़ शक्कर भी अपनी गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर पाए। गुड़ शक्कर के 2 सैंपल मिस ब्रांड मिले हैं, वहीं दूध में भी मिलावटखोरी सामने आई है। इसे लेकर विभाग की टीमें निरंतर सैंपलिंग अभियान चला रही हैं। वहीं अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हॉस्टल की मैस में भी बच्चों को दूषित खाना परोसे जाने की शिकायत आ रही है। इस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केयू हॉस्टल की सभी मैस से सैंपल लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विभाग आगामी प्रक्रिया करेगा। विभाग ने अक्टूबर माह में अभी तक 50 सैंपल भरे हैं। पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा ज्यादा है। वह अक्टूबर माह में लिए गए 32 सैंपल भी अभी तक जांच रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से 2 सब स्टैंडर्ड व 2 मिस ब्रांड मिले हैं। सब स्टैंडर्ड सैंपल में दूध व डबल रोटी के सैंपल अपनी गुणवत्ता पर खरा नहीं उतर पाए। वहीं मिस ब्रांड मिले गुड़ व शक्कर में भी मिलावट मिली है। विभाग अब इन दुकानदारों को नोटिस भेजेगा। बता दें, दूध में साधारणतः पानी की मिलावट की जाती है। यदि पानी शुद्ध हो तब तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि पानी की जगह यूरिया रंग या वॉशिंग पाउडर की मिलावट हो तब इसे पीकर या इससे बने खाद्य पदार्थ खाकर व्यक्ति जल्द ही बीमार पड़ सकता है। दूध में सामान्यतः पानी, स्प्रेटा, स्टार्च की मिलावट हो सकती है। पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। इसकी रीडिंग 28 से 34 होनी चाहिए। अगर ये रीडिंग 28 से नीचे आ जाती है तो पानी की मिलावट प्रमाणित हो जाती है। ऐसे में मिलावट करने वाले लैक्टोमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए दूध में यूरिया, चीनी, वॉशिंग पाउडर और इजी शैम्पू, रिफाइंड ऑयल, डिटर्जेंट व सोडा आदि भी मिला देते हैं। इसकी जांच करने के लिए दूध में आयोडीन मिलाकर गर्म करें। अगर दूध का रंग नीला हो जाता है तो इसका अर्थ है कि दूध में स्टार्च मिलाया गया है। यूरिया, डिटर्जेंट इत्यादि मिले घटिया दूध की जांच के लिए दूध में बराबर मात्रा में अल्कोहल मिलाकर देखें। अगर ये फट जाता है तो ये दूध घटिया किस्म का है। इसी तरह किसी चिकनी या पॉलिश की गई खड़ी सतह पर दूध की एक बूंद गिराएं। यदि बूंद नीचे धीरे धीरे नीचे गिरे और सफेद निशान छोड़े तो साफ है कि मिलावट नहीं है। बता दें, देसी घी या मक्खन में मिलावट के क्या लक्षण है और कैसे जांच की जा सकती है। देसी घी या मक्खन में आमतौर पर चर्बी या वनस्पति घी की मिलावट की जाती है। देसी घी में मिलावट की जांच करने के लिए 10 सीसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 चम्मच चीनी मिलाएं तथा इस मिश्रण में 10 सीसी देसी घी या मक्खन मिलाएं। इसे अच्छी तरह हिलाएं। यदि इस मिश्रण का रंग लाल हो जाता है तो देसी घी या मक्खन में मिलावटी है। यदि मिश्रण का रंग नहीं बदलता तो ये एकदम शुद्ध है। इसी प्रकार मावा यानी खोए में भी मिलावट को जांचने के लिए क्या साधन है, क्या उपाय है। दूध को गाढ़ा करके मावा बनता है, इसलिए इसको जांचने के लिए दूध वाले उपाय ही किए जा सकते हैं। यूं आमतौर पर मावा का भार बढ़ाने के लिए स्टार्च की मिलावट की जाती है। मावा में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर इस मिश्रण को उबालें, फिर इसमें आयोडीन की कुछ बूंद डालें। यदि नीले रंग की परत दिखे तो साफ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। बता दें कि विभाग की टीमें निरंतर जिले भर में सैंपलिंग कर रही हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मैस में बच्चों को दूषित भोजन देने की शिकायत मिली थी। मैस से 7 सैंपल लिए गए हैं। सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं 32 सैंपल की रिपोर्ट में 2 सैंपल मिस ब्रांड व 2 सैंपल सब स्टैंडर्ड मिल चुके हैं। अभी तक अक्टूबर माह में करीब 50 सैंपल लिए जा चुके हैं।